गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। सीएम योगी ने कहा 3000 से अधिक समूहों की महिलाएं बनेंगी उद्यमी, उनके पास होगा उनका खुद का रोजगार। जगहा थाना क्षेत्र के गजाईकोल गांव में पुरानी जमीन के रंजिश में दो पक्षों में हुई मारपीट में इलाज के दौरान एक पक्ष के व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने दूसरे पक्ष के कई लोगों को लिया हिरासत में। सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने कहा जल्द होगा खुलासा। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई आरआरटी की बैठक, कहा होम आइसोलेट किए गए मरीजों की देखभाल में लापरवाही क्षम्य नहीं। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, लाइव वीडियो गोरखपुर न्यूज के कैमरे में हुआ कैद। मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्कूटी और बाइक सवार में हुआ भिड़ंत, नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा, बाल बाल बची चार जिंदगियां। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुझसे संबंध महाविद्यालय के स्नातक और परास्नातक छात्रों के परीक्षा फल को शिफ्टवार किया जा रहा है घोषित। मंगलवार को 95 परीक्षा फल किए गए घोषित, अब तक कुल 300 परीक्षा फल हुए हैं घोषित। परीक्षा नियंत्रक ने कहा रिजल्ट देखा जा सकता है गोरखपुर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों की संयुक्त बैठक। एसडीएम सदर ने कहा तहसील सदर के फेसबुक पेज पर उपलब्ध है कोरोना जांच केंद्रों की सूची, कराएं निशुल्क जांच। तिवारीपुर पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 3 शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली ने कहा तिवारीपुर थाने के थे गैंगस्टर, भेजे गए जेल। गोरखपुर में मंगलवार को कोरोना के मिले 244 नए संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,555, एक्टिव मरीज हुए 3,012। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। राजघाट थाने की पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में शामिल 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के केंद्रीय पदाधिकारियों का प्राप्त हुआ समर्थन, जताया विरोध। गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने मानव श्रृंखला बनाकर अनलॉक 4 से 21 सितंबर से शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन में सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 सदस्यों की छूट की संख्या बढ़ाकर 400 करने की मांग। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। और श्री राजपूत कर्णी सेना ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर जताई आपत्ति। विरोध में शिवसेना नेता संजय राउत का फूका प्रतीकात्मक पुतला।